हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो के अंदर। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून शस्त्र धारा की तरफ रात को। तो फाइनली हमने स्टे लिया हरिद्वार जाते हुए रास्ते के अंदर। चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ खाएंगे। तो ये देहरादून का फर्स्ट व्यू। रात को तो मैं सो गया था बस के अंदर, फिर उसके बाद ये जब उठा तो बहुत अच्छा व्यू सामने था हमारे। उठते ही हमने सीधा अपने आपको पहाड़ों के बीच में देखा। तो सुबह हम अराउंड 6 बजे पहुँचे यहाँ शस्त्र धारा की तरफ। यहाँ पर आप व्यू चेक कर ही सकते हो कितना सही है। तो हम जा रहे हैं शस्त्र धारा की तरफ। और यहाँ पे देहरादून की जो ये रास्ता है बीच में, इसकी रोड तो काफ़ी भीड़ी थी, बट हमारा ड्राइवर था जो काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसने सही बस चलाई है भाई। बाकी आप कंडक्टर सीट पर बैठोगे तो यहाँ पर इतने ऐसे ऐसे कट आते हैं ना कि एक बार तो ऐसे लगता है कि बस जाएगी खाई के अंदर और बस अब क्या है। लेकिन बट हमारा जो ड्राइवर था वो काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसने बस काफ़ी अच्छे से चलाई। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं शस्त्र धारा में। शस्त्र धारा के अंदर जो ये पानी आता है हिमालय में से डायरेक्ट निकल कर आता है, काफ़ी जड़ी बूटियों को छूकर आता है। और ये जो एक ग्रुप है ऐसा, स्विमिंग पूल्स बने हुए और झरने हैं यहाँ पर, काफ़ी सही व्यू है यहाँ पे। और आप भी आओ, हम टूरिस्ट प्लेस भी है ये। तो मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर शस्त्र धारा में। आप भी आइए, अच्छी जगह है काफ़ी। इस टाइम तो काफ़ी साफ पानी है, सही है। अपनी फैमिली के साथ आओ, अच्छी जगह है, काफ़ी सही है। दुनिया का नाम मतलब क्या था? दुनिया भी अभी नाम दुनिया का ले रहा तू? भाई देखिए यहाँ पे अभी इतना आते हैं, इसमें सीधे खाली करा, ध्यान से देखो भाई, छोड़ दे कुछ इन रखा है। अरे मैंने नहीं लिया, ऐसे नेचुरल प्लेसेस देख कितनी ब्यूटी है। और तू क्या कर रहा है? इसको पीके एंजॉय कर रहा है यहाँ पे यार। बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। उनको देखो नहीं पानी पी, आपको नहीं पड़ी ना अंकल, हाई कर दो कैमरे को। अरे जा बीच में, जा बीच में, अरे जा ना बीच में, जा शाबाश। अरे कुछ नहीं होता, जा। फोटो तेरा तो मैंने एमएमएस में आ जाए तो फोटो की कह रहा है। शाहजी भाई, शाहजी सलमान खान लग रहा कसम से। तो शस्त्र धारा के अंदर मुझे यहाँ के एक लोकल ने बताया कि यहाँ पर कई बंदे मेडिकल स्कीम जैसे प्रॉब्लम होती है उससे भी आते हैं और वो भी ठीक होती है। और ये नेट के ऊपर भी है, मैंने रिसर्च करा था और काफ़ी बंदे भी मिले मुझे इसी पर्पज से आए थे। भाई भोले बाबा की चीजिंग बहुत कितना बढ़िया लग रहा है, सनराइज होते हुए वाटरफॉल है। तो ये था हमारा शस्त्र धारा का व्लॉग्स। और अब मैं जाऊंगा इसके बाद घूमने के लिए हर की पौड़ी, ऋषिकेश और जो जो मेन मेन जगह है यहाँ पे उत्तराखंड में, एक्सप्लोर करने की सोचूंगा और दिखाऊंगा आपको व्लॉग के ज़रिए। तो आप मुझे बताना कि कैसा लगा व्लॉग, अपना रिव्यू ज़रूर देना कॉमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। ओके।
अभी तो फिलहाल यहाँ बहुत रश हो रहा है, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आना अवॉइड करो, मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा ही रश है यहाँ पे। व्यू चेक करो गाइस, टॉप का व्यू आ रहा है। Awesome view. ये पोपट लाल कहाँ से आ गया? नाना पोस्ट में आया गया। सही सही है, सही लग रहा भाई, गुड पोपट गुड। तो अब हम जा रहे हैं देहरादून से शस्तारा से ऋषिकेश की तरफ, तो वहाँ पर अब मैं देखता हूँ कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो विज़िट करूँगा और व्लॉग के अंदर आपको दिखाऊँगा, इतना आप टाइम लाइफ एंजॉय करो। तो अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, तो रास्ते के अंदर काफ़ी हरियाली और काफ़ी पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र था, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड करा और आपको शो करा रास्ता। बाकी उत्तराखंड के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, और भी आप मुझे नाम कमेंट करके बताना कि कहां पर मुझे जाना चाहिए, सजेस्ट करो तो मैं आगे उनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो ये रास्ते के अंदर हम जा रहे थे और यहाँ पर हमें ये सफ़ेद नदी देखी, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था, पता नहीं ये इसके अंदर पानी आता है या मेरे ख्याल बारिशों के मौसम में ये भरती होगी। बाकी व्यू बहुत ही अच्छा था यहाँ पर, और अब हम रास्ते में जाते हैं, यहाँ सामने भी हमारे पहाड़ थे, और मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पर इसी महीने में आओ, क्योंकि जैसे यहाँ पर भी रश भी नहीं था इतना और ओके था, और प्लेसेस काफ़ी अच्छे अच्छे, हरियाली हरियाली हो रही है हर एक तरफ। तो हम शस्त्रधारा से अब जा रहे हैं ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार, तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर और शेयर करूँगा आपके साथ अपनी मेमोरीज।